नमस्कार। आज मैं जो इंडियन लिबर्टी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, हम लोगों ने हिमालय तथा नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां तथा प्रायद्वीप खंड के बारे में पढ़ चुका। तीसरा था सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का निर्माण। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय के उत्थान के बाद हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीप खंड के बीच एक विशाल जो है कि गर्त बन गया। यह हमारा जो भारत है या प्रायद्वीप खंड और ऊपर में हमारा जो हिमालय है या हिमालय तो हिमालय के उत्थान के बाद हिमालय तथा प्रायद्वीप खंड के बीच क्या हुआ, एक गर्त बन गया और इस गर्त को 33 सागर के जल में भर दिया। हम लोग पढ़े थे कि अंगारा लेन और गोंडवाना लेन के बीच एक सागर बसा था, वह था 33 सागर। तो 33 सागर के जल ने क्या किया कि इसे भर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ कि इसमें और जल जब भर गया तो इसमें धीरे धीरे अवसाद जमना शुरू हो गया। बाद में क्या हुआ कालांतर में कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जी की जो नदी थी उसके निक्षेपों ने भी आकर इनमें अवसादों को जमा करना शुरू कर दिया। अवसाद यह बढ़ता गया और इसके कारण जो है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हो गया। यानी हिमालय के उत्थान के बाद हिमालय तथा प्रायद्वीप खंड के बीच एक विशाल गर्त बन गया जिसे 33 सागर के जल ने भर दिया। कालांतर में सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का जो नदी था उस इस गर्त को अपने निक्षेपों से भर दिया। फलस्वरूप सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण हो गया और यह जो है कि अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम में सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी के डेल्टा से पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा तक विस्तृत है। यानी सिंधु नदी से गंगा नदी तक अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है और यह जो मैदान है इसमें मिट्टी की गहराई जो है कि 6 किलोमीटर तक रहेगी। अब साथ जमा होते होते इसकी जो गहराई जो है कि मिट्टी की वह 6 किलोमीटर तक फैल गई यानी कि गहरी है। चलिए हम लोग देख लिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीप खंड के बीच में क्या अंतर है। एक किलो लिखिएगा हिमालय पर्वत एक, इधर हम लिख रहे हैं प्रायद्वीप खंड। इसका निर्माण जो हिमालय पर्वत का निर्माण जो है नवीन व कोमल चट्टानों से हुआ। किससे हुआ है? नवीन व कोमल चट्टानों से हुआ है। जो कि प्रायद्वीप खंड का निर्माण जो है प्राचीनतम व कठोर चट्टानों से हुआ है। यानी कि नया पर्वत है और कोमल चट्टानों से बना हुआ या प्राचीनतम व कठोर चट्टानों से बना हुआ। दूसरा क्या है कि यह हिमालय पर्वत जो है यह एक चाप के रूप में फैला हुआ, यानी हिमालय पर्वत एक चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी इस तरह से यह फैला हुआ है। इस तरह से आप जब इसका मैप बनाएंगे हिमालय पर्वत का पढ़ेंगे फिर उसके बाद विस्तार से तो फिर बताएंगे कि इस तरह एक चाप के रूप में फैला हुआ है। जबकि यह तो प्रायद्वीप खंड आप लोग जानते हैं कि किस रूप में है, त्रिभुजाकार रूप में। नीचे वाला जो भाग है भारत का वह किस रूप में है, त्रिभुजाकार रूप में। तीसरा जो है कि हिमालय यानी कि जो पर्वत है उसमें अधिकतर परतदार चट्टाने पाई जाती है। हिमालय पर्वत में अधिकतर परतदार चट्टान पाई जाती है और इसमें जो है कि अधिकतर जो है कि आग्नेय चट्टान पाई जाती है। हिमालय पर्वत का जो शिखर है उसमें जितने भी ऊपर ऊपर जो चोटी बनी है शिखर बनी है वह नुकीली है और वह बर्फ से ढकी हुई है। यानी कि शिखर इसका किसी है नुकीली और बर्फ से ढकी है। जबकि
प्रायद्वीप खंड का जो पर्वत की जो चोटी है वह चपटी है, ऐसी है चपटी, और साथ ही साथ इसका कोई भी भाग जो कि बर्फ से नहीं ढका हुआ है। हिमालय पर्वत का अभी भी उत्थान हो ही रहा है, जारी है अभी तक उत्थान, बताए थे आप लोगों को। और इसका जो है कि प्रायद्वीप खंड हिमालय से अपेक्षा स्थिर, यानी इसका भी उत्थान रुक गया, यानी इसका उत्थान नहीं हो रहा है प्रायद्वीप खंड का। कि हिमालय प्रदेश का जो है कि अधिकतर नदी जो है वह संकरी अथवा गढ़ी यू आकार की जो है कि क्या कहते हैं कि घाटिया बना डाली है, घाटी। हिमालय की जितनी भी नदी है संकरी व यू आकार की घाटी बना दी है, किसी बना दी है संकरी व यू आकार की घाटी। यू आकार का मतलब होता है कि नदी है यहाँ पर है, पर्वत है और यहाँ पर पर्वत बीच में नदी जो है कि इसके अवसादों को यानी कि बार बार इसका अपरदन करते करते यहाँ पर जो कि यू आकार की घाटी बना दी है यहाँ। और इस प्रदेश में जो कि किसी तरह का कोई घाटी नहीं है बल्कि उबर खाबर है, या प्रायद्वीप खंड जो है कि इसके अपेक्षा वो जो कि उबर खाबर है। साथ ही साथ कुछ है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है कि वह जो कि ब्रश घाटी का निर्माण किया है, रिफ्ट का निर्माण किया है। तो यह हम देख लिए हिमालय पर्वत का प्रायद्वीप खंड के बीच में अंतर। अगला आईडी लिखिएगा भारत की भू आकृति और उच्चावच। भू आकृति अथवा उच्चावच, तूफान चल रहा है, हवा तेज चल रही है, इसके कारण आवाज आ रही है। भारत के उच्चावच अथवा धरातल जो है भू आकृति, उसके लक्षणों में अलग अलग जानों पर मैंने जगहों पर विविधता पाई जाती है। कहीं कहीं क्या है तो ऊंचे गगनचुंबी पर्वत हैं, तो कहीं कहीं पर क्या है कि पठार है चपटी ऐसी, तो कहीं पर मरुस्थल है, तो कहीं पर क्या है कि सपाट जो कि मैदान है, तो कहीं पर सघन वन पाए जाते हैं, तो कहीं पर क्या है कि यहाँ मान की बंजर भूमि पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज जो कि भारतीय भू आकृति है, यानी भारतीय भू आकृति और जो उच्चावच है उसमें विभिन्न स्थानों पर जो कि विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं सपाट भूमि है, सपाट मैदान है, कहीं घने वन है, तो कहीं बंजर भूमि है, तो कहीं मरुस्थल है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो कि किस यानी प्रकार से जो कि बटा हुआ है भारत की भौगोलिक जो है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% जो भाग है वह पर्वतीय है। पर्वतीय भाग कितना है? 10.7%। यानी पर्वतीय भाग हुआ है यानी कि यहाँ जो समुद्र तल की गहराई से 2135 मीटर ऊंची है। यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग क्या है? पर्वतीय है, जो समुद्र तल से 2135 मीटर से भी ऊंचे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 18.6% भाग जो है वह पहाड़ी है, यानी कि 18.6% भाग जो है कि पहाड़ी है, और यह समुद्र तल से 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। और 27.7% जो है आपका जो है कि वो पठारी भाग है, 27.7% भाग क्या है? पठारी भाग है, जो 305 मीटर से 915 मीटर यानी समुद्र तल से 305 मीटर से 915 मीटर के बीच में। और शेष 43% जो भाग है वह आपका जो है कि
मैदानी भाग है। 43% भाग क्या है? मैदानी भाग। पर्वतीय भाग 10.7, पहाड़ी भाग 18.6%, पठारी भाग 27.7%, 43% जो है कि भाग आपका मैदानी है। अब हेडिंग लिखिएगा भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक विभाग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए भौगोलिक दृष्टि से जो है कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। नंबर एक है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अथवा हिमालय। इंग्लिश में लिखेगा नॉर्थन माउंटेन रीजन और हिमालय। दूसरा आपका है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तीसरा है प्रायद्वीप भारत द पेनिनसुला रीजन या प्लेट्यू। चौथा आपका है भारतीय मरुस्थल। इंडियन डिजर्ट पांचवा है टट्टी मैदान। इसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। और छठा आपका है भारतीय द्वीप इंडियन आइलैंड्स। तो यह 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। उत्तर पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप भारत, भारतीय मरुस्थल, टट्टी मैदान और भारतीय द्वीप। चलिए पहला हेडिंग लिखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो उत्तरी पहाड़ी प्रदेश के अंतर्गत जो है कि हिमालय पर्वत जो है कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है और यह पश्चिम से पूरब की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में वीरत चाप के आकार के रूप में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जो है हम कहें यहाँ से भारत से इस तरह से बना दिए कुछ इस तरह से बना दिए तो यह जो है कि यह हिमालय। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय पर्वत अथवा जो है कि भारत के हिमालय जो है कि आता है और यह जो है कि पश्चिम से कहाँ से पश्चिम से पूरब किया 2400 किलोमीटर में जो है कि लंबाई में
वृहद चाप के आकार के रूप में जो कि फैला हुआ है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान, यहाँ पर बलूचिस्तान जो है, यहाँ पर बलूचिस्तान से होते हुए जो है कि, यानी कि कहाँ से आरम्भ होता है, बलूचिस्तान से आरम्भ होते हुए या नेपाल म्यांमार, या नेपाल म्यांमार के मध्य से, यानी कि होते हुए या पूरब के, पूरब से अरान कान योमा पहाड़ी तक जो कि फैला हुआ, यानी यह कहाँ से, बलूचिस्तान से प्रारंभ होकर म्यांमार करें, नेपाल से तिब्बत होते हुए, नेपाल से सॉरी बलूचिस्तान से आरंभ होते हुए नेपाल से तिब्बत होते हुए म्यांमार के अराकान योमा पहाड़ी तक जो है कि फैला हुआ है। कहाँ से, बलूचिस्तान से प्रारंभ होता है, नेपाल तिब्बत होते हुए म्यांमार के अराकान योमा तक जो है कि यह फैला हुआ है। तो हम बताएं यहाँ से कहाँ से आपका, यहाँ जो है कि बलूचिस्तान से यहाँ अरान कान योमा तक फैला हुआ। और उत्तर से दक्षिण जो है कि इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई कम होती है, कहीं पर ज्यादा। तो यहाँ पर जैसे पूरे पश्चिम में कम हो गई, बीच में क्योंकि ज्यादा हो गई, इसलिए इसकी चौड़ाई जो है 160 से किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक में, तथा औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। कितनी मीटर है, 6000 मीटर। और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, 48 मीटर है। और यह 500,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय जो है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, 500,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह जो है कि पश्चिम में सिंधु नदी के माखड़ से, सिंधु नदी के माखड़ से लेकर पश्चिम में जो है, पश्चिम में सिंधु नदी के माखड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के माखड़ तक फैला हुआ है। यहाँ पर के माखट तक जो है किया फैला हुआ है। और इस प्रकार इसका जो फैलाव जो है, यानी कि पूरब से पश्चिम दिशा में 22 डिग्री देशांतर तक है, यानी इसका फैलाव जो है कि पूरब से पश्चिम दिशा में कितने तक है, 22 डिग्री देशांतर तक। इसका अनुत्तर दर जो उठा हुआ जो भाग है, इस तरह से किया दक्षिण किया उत्तरोत्तर भाग किया है, उत्तरोत्तर भाग जो इसका है वह दक्षिण की, और किसका, हिमालय का। इसके उत्तर में क्या है, तो तिब्बत का सर्वोच्च पठार है, और साथ और इसके जो कि दक्षिण में जो है कि भारत का विशाल मैदान। यहाँ से भारत का विशाल मैदान, उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार। जो एशिया महाद्वीप में अगर हम टोटल बात करें कि 7300 से मीटर से अधिक जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, वह कुल मिलाकर जो कि 94 उसकी चोटियां हैं। 7300 मीटर से अधिक पर्वत चोटियां जो है कि एशिया महाद्वीप में जो कि 94 है, 94 जिसमें से 92 यानी 92 जो चोटी है वह हिमालय तथा वह काराकोरम श्रेणी का ही है। इसलिए यह जो कि महाद्वीप में जो कि, यानी कि इतनी चोटियां पाई जाती है कि इस हिमालय तथा अरान कान योमा में जो 7300 मीटर से ऊंची, ऐसा अन्य किसी महाद्वीप में ऐसी चोटी नहीं पाई जाती। तो हम लोग देख रहे हिमालय का कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहां से, बलूचिस्तान से लेकर अरान कान योमा तक। और इसकी चौड़ाई कितनी थी, 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक,
औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, 6000 मीटर, सॉरी 6000 मीटर। और सबसे ऊंची चोटी जो है इसका 8848 मीटर तक है, और इसका क्षेत्रफल 5,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। और यह कहाँ से? सिंधु नदी के महाकट से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के महाकट तक फैला हुआ है। अब हेडिंग लिखिएगा हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, इंग्लिश में लिखिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय पर्वत का जो कि मुख्यतः जो है कि भौगोलिक वर्गीकरण के रूप में हिमालय पर्वत को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, नंबर दो है वृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, द ग्रेट हिमालय, अथवा इनर हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय, इसको हम कहते हैं तीसरा लघु अथवा मध्य हिमालय, डालेसर अथवा मिडिल हिमालय। और चौथा है शिवालिक, याद रखिएगा हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या है? शिवालिक। तो हिमालय को जो कि मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। तो पहला हेडिंग के ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, या जो ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय है या महान हिमालय के जो कि यानी कि महान हिमालय के पीछे यानी उत्तर की ओर तथा तिब्बत के दक्षिण की ओर जो कि या ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय आता है। महान हिमालय के उत्तर की ओर तथा तिब्बत के जो दक्षिणी भाग है, तिब्बत के दक्षिण भाग में जो है कि ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय आता है अपने मध्य में या 225 किलोमीटर तक। मध्य में कितना? 225 किलोमीटर तक तथा पूर्व और जो पश्चिम की जो किनारा है उसमें या जो कि 40 किलोमीटर तक चौड़ा, मध्य में 225 किलोमीटर तक चौड़ा और पूर्व से पश्चिम में कितना है किनारे पर, पूर्व पश्चिम का किनारा पर 40 किलोमीटर तक जो की है चौड़ी है। इसकी लंबाई जो है कुल मिला के 960 किलोमीटर है, तो किसी किताब में ये लगभग 1000 किलोमीटर भी देखता है। तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है या 4100 से 5700 मीटर ऊंची है। कितनी है? 4100 से 5700 मीटर तक जो की ऊंची है। चूंकि इसका अधिकांश भाग जो है तिब्बत में, इसलिए इसको हम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय का अधिकतर भाग जो है कहाँ है? तिब्बत में, इसलिए इसे हम तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और इसमें अनेक पर्वत श्रेणियां है जिनमें से मेन जो है चार जो की मुख्य रूप से है लद्दाख, जास्कर और कैलाश और काराकोरम। कौन कौन सा है? लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम।
पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है आपको 6000 मीटर 3100 मीटर तक। औसत ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर तक। लद्दाख जास्कर कैलाश और काराकोरम की औसत ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर तक। चलिए हम इसको मैप से समझते हैं। यहाँ आपका जो है कि काराकोरम है, पर आपका सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत का क्या है? केटू 8611। यहाँ पर है गासेर ग्रुम पर्वत श्रेणी। यहाँ पर आपका है नंगा पर्वत। यहाँ पाकिस्तान में कुनलुन पर्वत, पामीर की घाट, यहाँ पर काराकोरम के ठीक दक्षिण में जो है आपको लद्दाख है, उसके इधर दक्षिण में जास्कर। फिर इसके बाद पीर पंजाल। और ये है आपका धौलाधर। यहां से निकलती है नदी, वो नदी सिंधु नदी। सिंधु के बगल में यहां से झेलम नदी। फिर चिनाब। फिर रावी। और यहां से आपकी निकलती है सतलज। तो हमको यहाँ देखना है, यहाँ काराकोरम है, इसका जो पर्वत चोटी है सेमी केटू गासेर ग्रुम, और उसके नीचे के दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में जास्कर, उसके दक्षिण में पीर पंजाल, फिर यह धौलागिरी, फिर यही आपका वीरत हिमालय आ जाएगा, उसके लघु हिमालय, और उसके नीचे यहाँ पर जो कि शिवालिक। लघु हिमालय और यह बृहत हिमालय। और यह आपका है कैलाश पर्वत। अब यहां पर बहुत सारी चोटियां हैं। एक आपका है धौलागिरी, और यहाँ पर है आपका अन्नपूर्णा नेपाल में, और यह आपका एवरेस्ट मकालू, और यह आपका है कंचनजंगा। कितना है कंचनजंगा? 8598 किलोमीटर मीटर। किलोमीटर लिखा रहा है, सब मीटर लिखेगा, ऊंचाई मीटर में होगी।
8598 मीटर, मकालू की है 8481 मीटर, एवरेस्ट की कितना है 8850 मीटर, अन्नपूर्णा का 8078 मीटर, इसका 8172। तो यह आपका जो कि यह परीक्षा में पूछता है कि निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में समझाएं पीसीएस एग्जाम में खास करके, तो आपको दे देगा चार कार्यक्रम जिसका पेपर सोचेगा कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो है कि आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना या इस तरह का प्रश्न या दिया भी गया क्वेश्चन, तो इसको आप लोग को इस तरह से इसको सजाना है। तो सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जैसकर, फिर पीरपंजा, फिर कैलाश पर्वत, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, फिर कंचनजंगा, और यहाँ पर सब है डालमा पहाड़ी, यहाँ पर है आपका मिसी पहाड़ी, यहाँ पटकोई भूम, यहाँ पर नागा पहाड़ी, निजो पहाड़ी, और यहाँ पर सबसे सटा हुआ यहाँ पर अरान कानियोमा पहाड़ी म्यांमार में है। काराकोरम पहले यहाँ देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, कैलाश पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, डालमा, नामचा ब्रह्मा पर्वत यहीं पर है, और फिर मिसी, इसका पटकोई भूम, नागा, और यहाँ पर भी आपका मिजो, और यह अरान कानियोमा, और यहाँ पर गारो खासीघाट जयंतिया की पहाड़ी, गारो मेघालय में खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो आप लोग हेडिंग लिखे थे क्या थी, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय के बारे में, तो यह महान हिमालय के पीछे बताए थे आप लोगों को तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है और अपने मध्य में यह 225 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में इसके किनारों पर इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है 40 किलोमीटर तक है, इसकी लंबाई कुल मिलाकर 960 किलोमीटर आपको बताए, और इसकी जो ऊंचाई थी 4500 से 5700 मीटर के बीच में है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ था तिब्बत में, इसलिए इसे हम क्या कहते थे तिब्बती हिमालय भी कहते थे, यानी तिब्बत हिमालय इसका इसलिए नाम पड़ा। और इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियां कौन कौन थी, लद्दाख जास्कर कैलाश और काराकोरम, मुख्य इसकी पर्वत श्रेणियां जिसकी औसत ऊंचाई जो की 3100 मीटर तक थी। जास्कर श्रेणी जो है वह महान हिमालय से 80 डिग्री, जास्कर श्रेणी जो है वह या महान हिमालय था ना विधत या महान हिमालय, तो महान हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होती है, यहाँ 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो किया अलग हो जाती है जास्कर श्रेणी, और इसके मुख्य श्रेणी के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर यह जो की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर, किसकी जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर। फिर इसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी, यह लद्दाख श्रेणी यहाँ पर आपका वह 300 किलोमीटर लंबी तथा 5800 मीटर ऊंची है, कितनी किलोमीटर लंबी है 300 किलोमीटर लंबी और 5800 मीटर ऊंची, और यह जास्कर के समांतर फैली हुई है, देखिए जास्कर के समांतर है ना, जास्कर के समांतर जो है कि यह फैली हुई, और लद्दाख श्रेणी के पूर्व में क्या है कैलाश श्रेणी, देखिए लद्दाख है इसके पूर्व किया क्या है कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी, यह मुख्यतः जो की तिब्बत में, देखिये ये भारत में है, यहाँ क्या है तिब्बत, हम बताए थे यहाँ पर आपकी क्या है तिब्बत, यह मुख्यतः जो है कि तिब्बत में कौन कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत, ठीक है, और मानसरोवर झील तक यह जो की फैली हुई है, तिब्बत का जो मानसरोवर झील है जहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है वहां से जो है कि यह फैली हुई है, कौन सी कैलाश पर्वत मानसरोवर झील तक है, और इसका यानी कि लद्दाख श्रेणी या जो लद्दाख श्रेणी उसके उत्तर में है काराकोरम, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में क्या है काराकोरम श्रेणी है, और जिसकी बहुत सारी चोटियां हैं, उस चोटियों में से कौन कौन सी यानी कि प्रमुख चोटी है केटू, जिसकी सब भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिनको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, केटू का नाम क्या है इसकी चोटी गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम की ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन भारत की भी है सबसे ऊंची चोटी है, इसके बाद है गासेर ब्रूम बताए थे, और उसके बाद एक और है ब्रॉड पिक, ये क्या है ब्रॉड पिक चोटी यहीं पर बीच में है ब्रॉड पिक चोटी है, और फिर इसके बाद जो है कि यह श्रेणी जो है पश्चिम में या काराकोरम पश्चिम में पामीर की घाट और पूरब की ओर कैलाश पर्वत की घाटियां, यहाँ जो पामीर की घाटियां बताया आपको पामीर की घाट
अस्सी में पामिट घाट और पूर्व में अगर इसको देखिए इसका फैलाव जो है धीरे धीरे कुछ न कुछ अंश जो है कि इसका कैलाश पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है जासकर का। तो हम तो बता दिए थे कि विश्व की दूसरी ऊंची चोटी अगर कोई है तो वह यानी केटू हुआ और भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई। ऐसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट और भारत की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी क्या आ जाएगी, यह आपका केटू काराकोरम टू गॉड विन ऑस्टिन। चलिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालय के अन्य भाग के बारे में, बृहत हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय के बारे में।